गोविंद माधवेती श्री कृष्ण हे मुरारे गोविंद माधवेती श्री कृष्ण हे मुरारे आए शरण तिहारी सहारे गोविंद माधवेती कृष्ण हे मुरारे गोविंद माधवेती कृष्ण हे मुरारे आए शरण तिहारी आए शरण तिहारी तीनों के है सहारे गोविंद माधवेती कृष्ण हे मुरारे गोविंद माधवेती कृष्ण हे मुरारे। जय श्री श्याम। मैं पंडित दिनेश कोमल भट्ट पुराण कथा प्रवक्ता तुलसी श्याम के समस्त भक्तों और मंदिर प्रबंधन से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया ध्यान दें और उचित निर्णय लें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तुलसी श्याम के दूसरे अंक को प्रारंभ करें उससे पूर्व आइए इस स्थान के पौराणिक महत्व से परिचित हों। जैसा कि पिछले अंक में भी बताया गया था कि एक किंवदंती के अनुसार श्री कृष्ण ने तुल नामक दैत्य को मारा और उसके तुल नाम के साथ श्याम का नाम जुड़ा और यह स्थान तुलसी श्याम हुआ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, इस न्याय से यह भी सत्य हो सकता है, किंतु यहाँ आकर के मुझे लगा कि यह स्थान शिव पुराण के एक प्रसंग से जुड़ा है। शिव पुराण के अनुसार शिव के क्रोधाग्नि से जालंधर हुआ जो समुद्र पुत्र कहलाया। दीव में उसके नाम का जालंधर बीच भी है। उसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व बल से जालंधर शिव से भी पराजित नहीं हो रहा था। तब विष्णु भगवान ने साधु वेश में यहाँ आकर माया से उन्होंने साधु वेश धारा और वृंदा को जालंधर की मृत्यु सूचक स्वप्न दिखाए। वृंदा बेचैन होकर वन वन भटकने लगी। तब दो राक्षसों ने वृंदा का पीछा किया तो वो साधु के आश्रम पर आई और साधु वेशधारी विष्णु के पास गई। विष्णु ने हुंकार मात्र से उन्हें खदेड़ दिया। वृंदा साधु के इस चमत्कार से बड़ी प्रभावित हुई और उसने शिव और जालंधर के बीच चल रहे युद्ध का परिणाम पूछा तो साधु ने दो वानरों से जालंधर का कटा हुआ सिर मंगवा लिया। ये मायावी था। वृंदा विलाप करने लगी। साधु जी से वृंदा ने कहा कि इसे पुनर्जीवित करें। ऐसी प्रार्थना जब की तो माया से ही जालंधर के शरीर के अवयवों को जोड़ा और उसे जीवित कर दिया। जालंधर का पुनर्जीवन मात्र माया थी और अब वृंदा के साथ जो जालंधर था वो और कोई नहीं भगवान विष्णु थे। इस प्रकार वृंदा का सतीत्व भंग हुआ। वृंदा ने जाना तो विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दिया और सतीत्व के बल पर अग्नि प्रकट की और अग्नि में प्रवेश कर दिया। और इसका प्रमाण यहाँ स्थित वो तपोदक कुंड है जिनमें उबलता हुआ पानी आज भी है। वृंदा उसी स्थान पर तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट हुई और विष्णु ने उसे वरदान दिया कि तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी, जो तुलसी श्याम विवाह कराएगा उसे अक्षय फल प्राप्त होगा। वृंदा के प्रति विष्णु का ये अनुराग देख करके रुक्मणी जी रुष्ट होकर के शिखर पर चढ़ गई जहाँ अभी रुक्मणी जी का मंदिर है।
इस स्थान पर वृंदा के तुलसी होने की कथा के सारे संकेत मिलते हैं। अतः मेरे विवेक के अनुसार यही तुलसी श्याम की कथा है और तुलसी श्याम मंदिर से संबंधित सभी भक्त इस कथा को प्रचार दें, क्योंकि शिव पुराण से प्रमाणित ये कथा, इस कथा के सारे संकेत तुलसी श्याम का जो ये परिक्षेत्र है इसमें मिल रहे हैं। जय तुलसी, जय श्याम, तुलसी श्याम की जय हो, जय हो। आशा है कि मंदिर से संबंधित संस्था या व्यक्ति इस पर ध्यान देंगे और इस कथानक को प्रचारित करेंगे। जय तुलसी, जय श्याम। माँ रुक्मणी के दर्शन करके और मन बड़ा प्रसन्न हो गया। जय हो माँ रुक्मणी। और हमेशा की बात की परंपरा के अनुसार एक तरफ गणेश जी और एक तरफ हनुमान जी, बड़ा जबरदस्त प्राकृतिक वातावरण लक्ष्मी मैया के मंदिर पर पहुँच करके सारी थकान दूर हो गई। यहाँ की मनोरम प्राकृतिक दृश्य देख करके वास्तव में अगर यहाँ नहीं आते तो यात्रा ही अधूरी थी। बहुत ही सुरम्य वातावरण, आनंद आ गया। ऋषिकेश महाबाहो भगवन मधुसूदन, नमस्ते देव देवेश। लीजिए साहब, हम रुक्मणी माता की कृपा प्राप्त करके आ चुके हैं और अब हल्की हल्की फुहारें आने लगी है बरसात की। श्याम बाबा मंदिर की ये विशाल का धर्मशाला भी है, यहाँ ठहरने करने की भी कई व्यवस्थाएँ है। आ
तीनों के हैं सहारे। इस प्रकार तुलसी श्याम की इस पुण्य भूमि का, पुण्य तीर्थ दर्शन का सौभाग्य हमें मिला। अब यहाँ का ये धाम का दर्शन प्रसन्न पूर्ण हुआ और अब आगे प्राची तीर्थ की भी सेवन करने की इच्छा है और तुलसी श्याम की कृपा से वो भी पूर्ण होगी। ये रुक्मणी मैया का अनुभव्य दृश्य मंदिर का। अब हम प्राची तीर्थ के लिए रवाना होंगे। प्राची तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि 100 बार काशी एक बार प्राची, वहाँ दिए गए श्राद्ध से तर्पण से पितर शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। ये सेंचुरी का गेट, वन विभाग का टोल है। यहाँ चेकिंग होती है। गिर राष्ट्रीय वन्य पशु अभयारण्य का ये मुख्य द्वार है, जसधार। हिरण इस जंगल में, हिरण काफी मात्रा में नजर आए। बहुत कोशिश की कि उनका हम चित्र ले पाए, लेकिन जिस कैमरा संभालते उससे पहले चित्र गायब हो जाते थे, लेकिन हिरण भारी मात्रा में दिखाई दिए इस वन क्षेत्र में। लीजिए, हम प्राची तीर्थ पहुँच चुके हैं और प्राची का रास्ता बताता ये बोर्ड, प्राची तीर्थ मोक्ष जी ब्लॉक सरस्वती घाट। चलिए महाबाहु काशी एक बार प्राची, ऐसी मान्यता यहाँ की है। 100 बार काशी की यात्रा कर लो और एक बार प्राची आ जाओ तो बराबर है। पितृ शांति ही है दक्षिणा एवं। पुष्कर जैसी व्यवस्था है, स्वयं सजात है देवा, गमी श्याम महलम जलंधर देना करि श्यामि पराक्रम आए शरण तिहारी। स्थान महाभारत से जुड़ा हुआ है। पांडवों को गोत्रवध का कलंक लगा था, पाप लगा था, और उस पाप से मुक्ति उन्हें किसी भी तीर्थ में नहीं मिली। तब भगवान ने उन्हें कहा था कि प्राची सरस्वती जहाँ है, पूर्वाभिमुख जो सरस्वती है, वहाँ पीपल का वृक्ष है और वहाँ प्राची तीर्थ में स्नान और श्राद्ध तर्पण करके और उस पीपल में, मोक्ष पीपल में जब जल चढ़ाएंगे तो पितरों की मोक्ष भी होगी और तुम्हें गोत्रवध से पाप मुक्त होंगे। इस प्रकार की कथा इस स्थान की है। 100 बार काशी जाओ या एक बार प्राची आ जाओ, बराबर फल है इसका। जात है देवा गमी श्याम अयम त्यजत है देवा गमी श्याम मावह जलंधरे न देना
करी राम पराक्रमा। भयं जगत है देवा समी श्याम महावं। श्रावण मासे शुक्ल पक्षे द्वादश्यायां तिथौ मंदवासरे एवं ग्राहणावशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ वन्य अंदर आपनो पुत्र उच्चार करी जावनो आपनो पुत्र उच्चार उच्चार करी जावनो बाकी काश्य पुत्र मनमा बोली जावनो मनमा आपनो पोतानो पूरु नाम से पूरु नाम बोली जावनो। जय पितृने जितनो आज पाणी पीवा माटे आपणा आव्या छे आपणा कोई पिता संबंधी माता पिता दादा दादी भाई बहन कोई दीकरी जीव होय नाम आवड तो नाम लेवानो बाकी बोलो सर्व मनमा बोलो उत्तम सदगति स्वर्ग लोका फल प्राप्ति अर्थम मम सकल मनोकामना सिद्धि अर्थम आदि सरस्वती गंगा महातीर्थे मोक्ष पितृ देवता नाम वैष्णो देवता नाम पूजनम अहम करिष्ये आत्मा जे पाणी जे खाते मंगावे शरण बिहारी तीनों के सहारे गोविंद माधवी कृष्ण मुरारे गोविंद माधवी कृष्ण मुरारे बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो।